देश के दिग्गज वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी एक बार फिर से देश के अटर्नी जनरल होंगे। मौजूदा अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। के वेणुगोपाल पिछले 5 साल से इस पद पर हैं। उनसे पहले रोहतगी ही अटर्नी जनरल थे। साल 2017 में मुकुल रोहतगी के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल को 3 साल के लिए नियुक्त किया था। बाद में 2 बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर रोहतगी से संपर्क किया तो वे पद संभालने को तैयार हो गए। मुकुल रोहतगी के बारे में जानने से पहले अटर्नी जनरल के पद की अहमियत को समझते हैं। अटर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, साथ ही भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अटर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ये एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत अटर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अटर्नी जनरल का मुख्य काम कानूनी मसलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। अब आते हैं मुकुल रोहतगी की कहानी पर। मुकुल रोहतगी आखिरी बार सबसे ज़्यादा चर्चा में तब रहे जब पिछले साल अक्टूबर में वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में पेश हुए थे। ड्रग्स केस में आर्यन खान आरोपी थे। 26 अक्टूबर 2021 को रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखा था। 2 दिन बाद 28 अक्टूबर को आर्यन को जमानत मिल गई थी। आर्यन की जमानत के बाद मुकुल रोहतगी की काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन 67 साल के रोहतगी की पहचान और करियर में लड़े गए उनके दूसरे मामले कहीं ज़्यादा बड़े हैं। 17 अगस्त 1955 को बॉम्बे में मुकुल रोहतगी का जन्म हुआ। उनके पिता अवध बिहारी रोहतगी सीनियर वकील थे और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के जज भी बने। स्कूली पढ़ाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक किया। मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली। LLB की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1978 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने उस वक्त के मशहूर वकील योगेश कुमार सभरवाल के जूनियर के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। ये वही YK सभरवाल हैं जो देश के 36वें चीफ जस्टिस बने थे। लंबी प्रैक्टिस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 1993 में उन्हें सीनियर वकील का दर्जा दिया। उस वक्त रोहतगी 38 साल के थे। शुरुआती दौर में भी रोहतगी कुछ खास मामलों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सिविल और क्रिमिनल हर तरह के केसेस लड़े। फिर धीरे धीरे नेता, एक्टर्स और कॉरपोरेट दिग्गज भी उनके क्लाइंट बन गए। रोहतगी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी आला दर्जे का है। वो कुछ मिनटों के ब्रीफ पर कोर्ट में घंटों बहस कर सकते हैं। साल 1999 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मुकुल रोहतगी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया। रोहतगी ने वाजपेयी सरकार के साथ पूरे 5 साल काम किया। इस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एक अलग जगह बना ली। साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए। दंगों से जुड़े मामलों में रोहतगी ने राज्य की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया था। इससे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी बने। रोहतगी खुद कबूल चुके हैं कि उनके सरकार के साथ अच्छे रिश्ते हैं। रोहतगी की दोस्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ भी काफी अच्छी थी। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP की सरकार बनी। सरकार बनते ही जून में उन्हें देश का 14वां अटर्नी जनरल बना दिया गया। उन्होंने पूर्व अटर्नी जनरल GE वाहनवती की जगह ली थी। वाहनवती ने केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही पद से इस्तीफा दे दिया था। अक्सर ऐसा ही होता है कि सरकार बदलने पर अटर्नी जनरल भी इस्तीफा दे देते हैं। पिछले 10 सालों को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आए लगभग सभी बड़े और चर्चित मामलों में मुकुल रोहतगी मौजूद रहे हैं। कहा जाता है कि रोहतगी कोर्ट रूम में अपने विपक्षी पर हावी रहते हैं और उन्हें चुप तक करा देते हैं। जब सामने वाला विरोध दर्ज कराता है तो वे तुरंत कह देते हैं, ये मेरा नॉर्मल तरीका है, जोर से बोलने का मतलब आपका अपमान करना नहीं है। हालांकि कोर्ट रूम के बाहर वो काफ़ी शांत माने जाते हैं। रोहतगी देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि रोहतगी एक केस के लिए 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की फीस लेते हैं। रोहतगी उन वकीलों में हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो जिस केस में खड़े हो गए वहाँ फैसला उनके हक में होना तय है। हालांकि एक व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर सफल ही हो ऐसा नहीं होता। साल 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर साल भर न्यायपालिका और सरकार के बीच चली लड़ाई को रोहतगी की सबसे बड़ी हार कहा जा सकता है। जून 2017 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अटर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद कई अटकलें लगीं कि सरकार के साथ कुछ मसलों पर उनका तालमेल बिगड़ा है, लेकिन वो महज अटकलें ही थीं। इस्तीफे के तुरंत बाद ही उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उनके इस्तीफे के बाद के वेणुगोपाल ने पद संभाला था। एक नज़र मुकुल रोहतगी के बड़े मामलों पर। रोहतगी साल 2018 में जज लोया की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की जांच पर रोक लगा दी थी। इस फैसले की रोहतगी ने बहुत तारीफ की थी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस केस में सरकार की तरफ से पेश होने के लिए उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपये की फीस ली थी।
मुकुल रोहतगी ने अपने करियर के दौरान कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामलों में कई नेताओं का बचाव किया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले और 2G केस के आरोपियों की अदालत में पैरवी की है। तमिलनाडु की पूर्व CM दिवंगत जयललिता के खिलाफ जब भ्रष्टाचार का मामला कोर्ट पहुंचा तो मुकुल रोहतगी उनके बचाव में कोर्ट में खड़े हुए थे। उद्योगपति अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच हुई कानूनी तकरार में अनिल अंबानी की तरफ से मुकेश रोहतगी पेश हुए थे, वहीं मुकेश अंबानी की ओर से उनके सामने देश के एक और बड़े वकील हरीश सालवे खड़े हुए थे। पिछले साल रोहतगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। मामला था उनकी नियुक्ति का। एक जनहित याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को नियम के खिलाफ और गलत बताया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराया था। इन मामलों के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित जिन राज्यों में सरकार बनाने या गिरने की स्थिति बनी, रोहतगी ने हमेशा केंद्र या राज्य सरकारों की पैरवी की है। UPA सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में रोहतगी को नेशनल लॉ डे अवार्ड से सम्मानित किया था। मुकुल रोहतगी कई जगहों पर बता चुके हैं कि वो महंगी और लग्जरी कारों का शौक रखते हैं। उनके पास बेंटले और BMW जैसी कारें हैं। उन्होंने कई मौकों पर खुलकर कहा है कि उन्हें दुनिया घूमने और महंगे होटल्स में रहना पसंद है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी साकेत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।